नमस्कार, न्यूज कैचअप में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ कुमार, आप सुन रहे हैं रात्रि समाचार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने की चीन पाकिस्तान की कोशिश फिर हुई नाकाम। रूस में प्रधानमंत्री समेत सारे मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, बदल सकता है देश का संविधान। ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में चलेगी महाभियोग की कार्यवाही। इसराइल ने किया सीरिया के ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सिलसिले में चीनी राष्ट्रपति का म्यांमार दौरा। पटरी से उतरे मुंबई भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे, कई लोगों के घायल होने की खबर। भाजपा में जल्द होगा झारखंड विकास मोर्चा का विलय। सेंसेक्स और निफ्टी ने छुआ रिकॉर्ड स्तर। फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर ने बॉक्स ऑफिस पर किया 100 करोड़ का आंकड़ा पार। बीसीसीआई ने धोनी को सीनियर खिलाड़ियों की सालाना करार में नहीं किया शामिल। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के समर्थन में आए चीन ने कश्मीर मुद्दे को तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उठाया, लेकिन चीन के इस प्रस्ताव पर अस्थायी सदस्यों फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस समेत 10 सदस्यों ने विरोध जताया। उनका कहना है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि सुरक्षा परिषद ने कश्मीर से जुड़ी शिकायतों को गलत बताया है। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव समेत उनके संपूर्ण मंत्रिमंडल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सौंप दिया है। उनका ये इस्तीफा राष्ट्रपति के देश में व्यापक संवैधानिक संशोधन करने के प्रस्ताव के बाद आया है। पुतिन ने मेदवेदेव के पद छोड़ने के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का डिप्टी चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने सांसदों को महाभियोग के दस्तावेज सौंप दिए हैं। महाभियोग की सुनवाई के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप पर संसद की कार्यवाही में अड़चन डालने और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। ट्रंप ने अगले राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए अपने प्रतिद्वंदी जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला था। आपको बता दें कि महाभियोग की प्रक्रिया पर सुनवाई के लिए अमेरिकी संसद कोर्ट रूम में बदल दिया जाएगा और देश के मुख्य न्यायाधीश नियमानुसार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आकर सुनवाई करेंगे। अमेरिकी इतिहास में ऐसा अब तक सिर्फ 3 बार हुआ है। कल इसराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर कई मिसाइल हमले किए, जिनमें उसने ईरानी और हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन इस हमले को बाद में नाकाम कर दिया गया। हमले में ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। इस घटना में किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं पहुंची है, लेकिन कुछ वाहनों को क्षति पहुंचने की सूचना है। गौरतलब है कि ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन की म्यांमार यात्रा पर हैं। यह म्यांमार में उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। म्यांमार की अर्थव्यवस्था में चीनी निवेश बढ़ाने और चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट उनकी यात्रा के मुख्य एजेंडे में शामिल हैं। अपने इस दौरे पर वह म्यांमार की नेता आंग सान सू की से मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के मामले में म्यांमार के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के बावजूद चीन उसकी ढाल बनकर खड़ा है। आज झारखंड में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। राज्य की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी झारखंड विकास मोर्चा भाजपा में विलय की राह पर है। झारखंड विकास मोर्चा वर्तमान में झारखंड की चौथी बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और उस समय वह भाजपा के सदस्य थे। उनकी वापसी से पार्टी के कई पुराने नेता काफी खुश हैं। उनकी वापसी पार्टी में उस समय पर हुई है जब नेता प्रतिपक्ष का पद भी सदन पर खाली पड़ा है और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि इस विधानसभा के चुनाव के बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की थी,
लेकिन बीते बुधवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। पिछले दिनों के उतार चढ़ाव के बाद गुरुवार को सेंसेक्स में फिर भारी उछाल दर्ज की गई। कल के आंकड़ों को आगे बढ़ाते हुए सेंसेक्स आज 186 अंक ऊपर जहां 42,059 पहुंचा था, वहीं कल दिन खत्म होते होते फिर एक मामूली गिरावट के बाद बाजार 41,932.56 पर बंद हुआ, जो कि कल के मुकाबले 59 अंक ज्यादा है। अब खबर सिनेमा जगत से। पिछले शुक्रवार बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर ने बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दिया है और रिलीज के अपने छठे दिन की कलेक्शन 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। मूवी में अजय देवगन और सैफ अली खान मुख्य भूमिका में दिखे। ओम रावत के निर्देशन में बनी यह फिल्म अजय देवगन के करियर की 100वीं फिल्म है। अब खबर खेल जगत से। आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई ने सीनियर खिलाड़ियों के सालाना करार में शामिल नहीं किया है। धोनी ग्रेड ए के खिलाड़ी थे। उन्होंने 2019 विश्व कप के बाद से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैच नहीं खेला है। हाल ही में उनके संन्यास लेने की अटकलें भी सामने आ रही थी और ऐसे समय में उनके करार में शामिल न होना क्रिकेट प्रेमियों की बेचैनी का सबब बन गया है। हालांकि अभी तक बीसीसीआई ने इस मामले पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट तारीख में इतिहास की ओर। आज ही के दिन 1969 में लीबिया के आर्मी जनरल मुअम्मर गद्दाफी ने तत्कालीन शासक इदरीस का तख्ता पलटकर देश में अपने सैन्य तानाशाही शुरू की थी। गद्दाफी अपने देश के लिए काफी भाग्यशाली रहे। उनके शासन की शुरुआत में ही लीबिया में तेल के बहुत बड़े भंडार मिले, जिसके बाद वहां की अर्थव्यवस्था के साथ साथ नागरिकों के जीवन स्तर में भी व्यापक सुधार हुआ। लंबी चली इस तानाशाही में गद्दाफी ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को निर्ममता से कुचला। साल 2007 में एक कानून में उन्होंने अपनी निंदा करने पर इस निंदा के कानून जैसे कड़े प्रावधान बना डाले थे। साल 2011 का दौर अरब में गुलाबी क्रांति का था। मिस्र और ट्यूनिशिया के तानाशाह जनता के विद्रोह की आंधी में उड़ चुके थे। देश में लंबे चले खूनी विद्रोह के बाद आखिर गद्दाफी का यही हश्र हुआ। प्रदर्शनकारियों ने इस क्रूर तानाशाह को मौत की नींद सुला दिया था। चलते चलते सुर्खियां एक बार फिर से। कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने की चीन पाकिस्तान की कोशिश फिर हुई नाकाम। रूस में प्रधानमंत्री समेत सारे मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। बदल सकता है देश का संविधान। ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में चलेगी महाभियोग की कार्यवाही। इसराइल ने किया सीरिया के ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सिलसिले में चीनी राष्ट्रपति करेंगे म्यांमार का दौरा। पटरी से उतरे मुंबई भुवनेश्वर एक्सप्रेस के 8 डिब्बे, कई लोगों के घायल होने की सूचना। भाजपा में जल्द होगा झारखंड विकास मोर्चा पार्टी का विलय। सेंसेक्स और निफ्टी ने छुआ रिकॉर्ड स्तर। फिल्म तानाजी ने किया 100 करोड़ का आंकड़ा पार। बीसीसीआई ने धोनी को सीनियर खिलाड़ियों के सालाना करार में नहीं किया शामिल। आज के अंक में इतना ही। सुनते रहिए न्यूज कैचअप रात्रि समाचार। नमस्कार।